हम रियो दे जनेरो में एक बस अड्डे पर हैं और आज वो दिन है जब रियो से 6,300 किलोमीटर दूर पेरू की राजधानी लीमा तक के एक नए रास्ते का उद्घाटन हो रहा है। ऑस्कर वास्केस सोलिस ने पेरू की बस कंपनी ओरमेनियो के लिए पहली यात्रा आयोजित की है। सीनियर ड्राइवर हैं डेनियल मैंसिला। वे एक अलग रास्ते पर जाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साओ पाउलो पहुंचने में कितना वक्त लगता है? निकलने के वक्त पर निर्भर है। हमने 9 कहा था, पर हम जल्दी भी निकल सकते हैं। हमारे पास कोई सवारी भी नहीं है, तो हम अभी निकल सकते हैं। इससे हमें आधा घंटा और मिल जाएगा। आपको क्या पहले कोपाकाबाना चलना है? हाँ, उसमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा। उम्मीद है बस उतना ही हो, या शायद 1 घंटा। हम साओ पाउलो देर से भी पहुंचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली यात्रा है, लोग इंतजार कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो जानते हैं हम रियो से आ रहे हैं। चलिए। बस यात्रियों को कई 100 किलोमीटर तक ले जाएगी। पहला यात्री साओ पाउलो में चढ़ेगा। आखिरी मिनट तक यात्रा शुरू करने के लिए परमिट मिलने में समस्या आ रही थी, इसलिए वो रियो से कोई टिकट नहीं बेच पाए। ओके, हम निकल रहे हैं। दरवाजे बंद करो। चलने के लिए तैयार? कोपाकाबाना, हम आ रहे हैं। ट्रांस ओसियानिका 6,300 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो दक्षिण अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। ये अटलांटिक तट से शुरू होता है और अमेजन वर्षा वनों और एंडीज पहाड़ों से होते हुए अंत में प्रशांत महासागर पर खत्म होता है। इस स्थलीय यात्रा ने महाद्वीप पर काफी बड़ी उम्मीदें जगाई हैं। इस हाईवे के साथ ही दक्षिण अमेरिका छोटा होता जा रहा है। यहाँ प्राकृतिक नजारा बहुत खूबसूरत है, जो बहुत बड़े खतरे में भी है। आगे आने वाली 1 शताब्दी में यहाँ कुछ नहीं उगने वाला। लोग यहाँ डरे हुए हैं, लेकिन डरना बाकियों को चाहिए। हर बस यात्रा अलग होती है। आपको अपने चलने का पता होता है, लेकिन कब पहुँचेंगे पता नहीं होता। यात्रा की शुरुआत होती है आकर्षक और कॉस्मोपॉलिटन महानगर रियो दे जनेरो से। यहाँ क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति और शुगरलोफ पर्वत जैसी मशहूर जगहें हैं और यहाँ अद्भुत समुद्र तट है। यहाँ नोवो रियो बस स्टेशन से हर रोज लंबी दूरी की 1600 बसें सफर पर निकलती हैं और अब उनमें से एक पेरू के लिए भी है। आपने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? 34 सालों से हर महीने 20,000, यानी 80 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। गजब। बस चलाने के 34 साल। हम बस तट पर पहुंचने ही वाले हैं। हम ईपानीमा की तमाम खूबसूरत लड़कियों को देखने वाले हैं, उस गाने की तरह। बस स्टेशन से आप शहर के बीच गुजर कर फिर एक सुरंग से होते हुए कोपाकाबाना पहुंचते हैं। कोपाकाबाना बीच सिर्फ 50 मीटर दूर है। आ गए हम। बड़ी बसों को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है, फिर भी ऐसा लम्हा जीवन में एक बार आता है, एक फोटो तो बनती है। डेनियल मैंसिला पहली बार रियो आए हैं। वो यहाँ सिर्फ 1 रात के लिए थे। शानदार। Thank you.
देखो वो रहा शुगर लोफ। धूप सेकने वालों के बीच पेरू के एक बहुत ही खुश बस ड्राइवर भी हैं। यहाँ रियो में कोपाकाबाना में होना मेरे करियर का अहम मौका है। आखिरकार वो लीमा के लिए रवाना हो जाते हैं एक घंटा देरी से। मैं इस यात्रा के बाद रिटायर हो जाऊंगा, पर हमें अभी भी आपकी जरूरत है डैनियल। और कौन से नए रास्ते बचे हैं? अब तो पार्क में बैठकर अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाने का वक्त आ गया है। और मिन्यो बस कंपनी पेरू में स्थित है, लेकिन पूरे दक्षिण अमेरिका में लंबी दूरी के रूट संचालित करती है। ये रूट कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और अब ब्राजील के साथ साथ लीमा रियो भी जाती हैं। ऑस्कर वास्केस सोलिस ब्राजील में फर्म के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने इस बस लाइन को शुरू करने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन ब्राजील के अधिकारी तंत्र से निपटना कठिन काम था। लाल फीताशाही का मतलब ये हुआ कि साओ पाउलो के रास्ते में पहले 600 किलोमीटर तक कोई यात्री नहीं था। मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता, लगता है कहीं सपना तो नहीं देख रहा। 24 साल हो गए इस बारे में बात करते हुए। ब्राजील के लिए लाइन कब चालू होगी? एक दिन हम ड्राइव करते हुए रियो जाएंगे। कितना बढ़िया होगा ना अगर रियो के लिए भी कोई मार्ग बन जाए। अगर इंसान अपनी सारी ऊर्जा और उत्साह समर्पित करे तो सपने सच हो ही जाते हैं। कंपनी ने इस चीज में हमेशा मेरा साथ दिया। बिना उनके समर्थन के इतनी जटिल परियोजना कभी साकार नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि अंतर महासागरीय मार्ग के साथ दक्षिण अमेरिका छोटा होता जा रहा है। अब हम अटलांटिक से लेकर प्रशांत वाले हिस्से तक ड्राइव कर सकते हैं। ये वाकई व्यापार और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। घुमावदार तटीय सड़क पर गति धीमी है और इस वक्त तक वो निश्चित समय से 3 घंटे लेट हैं, लेकिन अलग रास्ता लेना फायदेमंद रहा है। रियो दे जनेरो और साओ पाउलो के बीच कोस्टा वेडे नाम का एक बहुत खूबसूरत तट है। पहाड़ों का एक सिरा पानी के पास तक पहुंचता है। ये क्षेत्र लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर बसे दोनों बड़े शहरों से मेहमानों को आकर्षित करता है। यहाँ कई खूबसूरत और पुराने पुर्तगाली औपनिवेशिक शहर हैं। इस क्षेत्र को सबसे पहले 500 साल पूर्व पुर्तगालियों ने बसाया था और ये यहाँ की वास्तुकला के अलावा जीवन के प्रति स्थानीय आबादी के रवैये में दिखाई देता है। मैंसिला सिर्फ ड्राइव करते हुए ही नज़ारे देख सकते हैं। उनके पास घूमने का वक्त नहीं है। वो महीने में 500 से 700 यूरो के बीच कमा लेते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि वो कितने ट्रिप लगाते हैं। लंबी दूरी के सफर पर उनके साथ एक और ड्राइवर भी होता है। मुझे कभी कभी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है, कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। हाँ, इस प्रकार की नौकरी में बस ड्राइवर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि बाहर के सफर पर गए और लौट आए, बस हो गया। एक बार जब तेज बारिश हो रही थी, बस फिसल कर गड्ढे में जा गिरी थी। हम फिसल गए, पर शुक्र है भगवान का कि किसी की जान नहीं गई। इंटर ओशियनिक हाईवे एक तरह से आपको कल्पना की उड़ान पर ले जाता है। यह आपको सपने दिखाता है और यादों को जगाता है। ये रहस्यमय है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है इसके बारे में वाकई कुछ रहस्यमय है। बस अपनी पहली मंजिल साओ पाउलो तक पहुंच गई है।
ये 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। लोग यहाँ काम और बेहतर जीवन की तलाश में पूरे महाद्वीप से आते हैं। वो अक्सर यहाँ पेरू, बोलीविया या पराग्वे की तुलना में अधिक कमा सकते हैं। प्रवासी लोग ओरमेन्यो बस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। देश भर में ऊंची उम्मीदें और कड़वी निराशाएं बिखरी पड़ी हैं। इस समय आशा से अधिक निराशा ज्यादा दिखाई देती है। कई पेरूवासी आर्थिक संकट के कारण ब्राजील में अपनी नौकरी गंवाने के बाद घर जा रहे हैं। लीमा के लिए बस का किराया लगभग 180 यूरो है। हवाई जहाज का किराया इससे कहीं अधिक है। बार ईंधन का टैंक भरवाकर बस रियो से साओ पाउलो तक पहुंच गई है। अब उसे दोबारा भरवाने का वक्त आ गया है। हम रियो से आए हैं और लीमा जा रहे हैं। 5 दिन लगेंगे। हाँ, सड़क पर 5 दिन। नए रूट पर ये पहली यात्रा है। उम्मीद है सब ठीक रहेगा और हमें पर्याप्त यात्री मिलेंगे। आपको टायर की हवा नियमित रूप से जांचनी होती है। सिर्फ देख लेना ही काफी नहीं है। आपको बाहरी और भीतरी टायरों को जांचना होगा। अगर वो एक जैसी आवाज करते हैं तो सब कुछ ठीक है। इससे दुर्घटनाएं नहीं होती। टायरों में आग लग सकती है। अगर दबाव कम है और टायर फूल गया है तो वो आपस में रगड़ सकते हैं और आग पकड़ सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। अगली सुबह बस ब्राजील के अंदरूनी इलाके में है, रियो से 1600 किलोमीटर दूर। वो अभी अभी माटो ग्रोसो दो सुल राज्य की राजधानी केम्पो ग्रांडे से होकर गुजरी है। बस अभी सिर्फ आधी भरी हुई है। इस बस लाइन के अच्छी तरह से स्थापित होने में शायद 1 साल लग जाएगा। बस पर 2 जर्मन टूरिस्ट और कई पेरूवासी हैं। हरनान रामीरेज ऑटो मैकेनिक हैं। साओ पाउलो में चीजें ठीक नहीं चली, इसलिए वो फिर से नई जिंदगी शुरू करने वापस अपने घर लीमा जा रहे हैं। मैं एक शॉपिंग सेंटर में काम करता था, लेकिन वहाँ पैसे कम मिलते थे। मेरी एक बीवी और एक बेटी है। किसी महीने मैं उन्हें 1000 रियाल भेज पाता था और कभी सिर्फ 600। परिवार के लिए इतना काफी नहीं था। हम ब्राजील में रह रहे थे पर हालात मुश्किल होते जा रहे थे। अब हम पेरू ये देखने जा रहे हैं कि वहाँ जिंदगी बेहतर हो सकती है क्या। संकट बहुत गहरा है। लगभग सभी लेटिन अमरीकी घर वापस जा रहे हैं। मेरी माँ पेरू और बोलीविया के लोगों के साथ काम करती थी और उन सब ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है और वो घर वापस चले गए। कैटरीन नोनातो अपने पिता और 2 बहनों के साथ यात्रा कर रही हैं।
जॉन नोनातो प्लास्टर की मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन काम मिलना बंद हो गया। वो ब्राजील के हैं और अब लीमा में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। लोग कहते हैं वहाँ सब बढ़िया है और मुझे वहाँ जाने का पछतावा नहीं होगा, तो वहाँ सब अच्छा होगा। मेरी पत्नी पेरू की है, वो लीमा में ही पैदा और बड़ी हुई, इससे चीजें काफी आसान हो गई हैं। महाद्वीप को बस से पार करने वाले पर्यटक उतने नहीं हैं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। फर्नांडो और पैट्रिक जर्मनी से हैं और साओ पाउलो से कुस्को की यात्रा कर रहे हैं। किराया सस्ता पड़ता है और इसकी कीमत है 165 यूरो। यहाँ आने से पहले मैं 2 महीने एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। मैंने लगभग 3,400 यूरो बचाए। यहाँ जीने के लिए ये एक अच्छी रकम है, 3.5 महीने के लिए 3,500। प्राकृतिक नजारा बदल चुका है। जहां तक भी नजर जाती है, समतल भूमि और विशाल खेत दिखते हैं। माटो ग्रोसो दो सुल राज्य में मुख्य फसलें गेहूं, सोया, चावल और कपास हैं। हम जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के वेटलैंड इकोसिस्टम में से एक पेंटानाल पहुंचते हैं। ये आधे स्वीडन जितना बड़ा है। बरसात के मौसम में और उसके बाद यानी जनवरी से लेकर मई तक अधिकांश मैदानी हिस्सा गहरे पानी में डूबा होता है। ये अनगिनत पक्षियों, जलीय पौधों की कई प्रजातियों और लगभग 3.5 करोड़ मगरमच्छों के लिए एकदम बढ़िया माहौल है। यहाँ अपार जैव विविधता है। पेंटानाल में खेती भी होती है। इस क्षेत्र में कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ भी होती हैं। पेंटानेरो घोड़ों की स्थानीय नस्ल है। जंगलों में इनके बड़े झुंड रहते हैं। चरवाहे इन्हें युवावस्था में पकड़कर पालतू बना लेते हैं। आंद्रे फोन थुरोनी यहाँ 30 वर्ग किलोमीटर जमीन के मालिक हैं और एक लग्जरी इको टूरिज्म लॉज चलाते हैं। उनके यहाँ कई फिल्मी सितारे और शाही मेहमान आकर रह चुके हैं। इस क्षेत्र के जानवर स्थानीय किसानों के लिए किसी काम के नहीं थे, लेकिन पर्यटन की बदौलत वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो गए हैं। यदि कोई किसान पर्यटन के साथ पैसा कमाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन और उसके जानवरों की देखभाल करनी होगी। यही सही रणनीति है। लोगों को ये बताने की बजाय कि उन्हें क्या करना है, आप समझाते हैं कि यदि वो ऐसा या वैसा करते हैं तो उससे पैसा कमाया जा सकता है। ये उनमें पर्यावरण के बारे में जागरूकता विकसित करने का एक तरीका है। थुरोनी ब्राजील में इको टूरिज्म के पायनियर हैं। वो एक ऑस्ट्रियन हंगेरियन कुलीन परिवार से हैं। उनके माता पिता 1948 में ब्राजील आए। पर्यटकों के बिना उनका फार्म फायदेमंद नहीं होता। उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उसे कई पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में लगा देते हैं। थुरोनी इंसानी कैद में रहे तोतों को वापस जंगली जीवन में भेजने के लिए तैयार करते हैं। उन्हें शिकारियों ने पकड़ा और बेच दिया था, फिर उन्हें प्रकृति संरक्षकों ने मुक्त कराया और वापस पेंटानाल लाए।
उन्हें खुद के खाने का इंतजाम करना सीखना होगा। औसतन हम इनमें से 15% को खो देते हैं। वो घड़ियालों या छोटी लोमड़ियों के शिकार हो जाते हैं और 10-15% हमारे साथ यहीं रहते हैं। उन्हें यहाँ रहने की आदत हो गई है। उनमें से कुछ गाते हैं, जैसे फुटबॉल के गाने, और कुछ तो गालियां देना भी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें छोड़कर चले जाते हैं। हमने अभी तक 24 नीले पीले तोतों को आजाद किया है। ये बहुत कीमती पक्षी होते हैं। यूरोपीय बाजारों में हर एक की कीमत 20,000 यूरो तक जाती है। यह है नीला। बाकी जोड़े इससे मिलने अपने बच्चों के साथ आते हैं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि उनमें से कोई एक मादा हो। अगर किस्मत अच्छी हुई तो मैं जल्द ही दादा बन जाऊंगा। पेंटानाल पशुओं का एक विशाल प्रजनन क्षेत्र है जो पूरे महाद्वीप में जानवरों की आपूर्ति करता है, लेकिन इंसान इस प्राकृतिक स्वर्ग का अतिक्रमण कर रहा है। मवेशियों के चारागाह और सोया के खेत लगातार बढ़ रहे हैं। हम एक ढलान, एक घाटी में हैं, तो जो कुछ भी हमारे आसपास होता है वो बहकर नीचे पेंटानाल में आ जाता है। पिछले 10-15 वर्षों में कृषि व्यवसाय में अत्यधिक वृद्धि हुई है, मुख्य रूप से सोयाबीन, लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी उगाया जाता है। इन सभी बागानों और पूरी प्रणाली में बहुत अधिक उर्वरक और बहुत सारे रसायनों का उपयोग किया जाता है, और देर सवेर वो सब बहकर यहीं आने वाला है। अंतर महासागरीय राजमार्ग सोया के अंतहीन खेतों से होता हुआ वेटलैंड से बाहर निकलता है। यह सब उष्णकटिबंधीय वर्षावन हुआ करता था। यहाँ के राज्य का नाम माटो ग्रोसो है। पुर्तगाली में इसका मतलब घना जंगल होता है, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत कुछ बचा नहीं है। माटो ग्रोसो ब्राजील में सबसे बड़ा कृषि उत्पादन वाला राज्य है। यहाँ बड़े बड़े बागान हैं और खेती की जमीन लगातार बढ़ती जा रही है। सोयाबीन और सोया मील का दुनिया भर में निर्यात किया जाता है और 2015 में जर्मनी को ही जानवरों के चारे के लिए 6 मिलियन मीट्रिक टन बेचा गया था। उबाऊ लैंडस्केप वाले इलाके में दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटे का ब्रेक। पैरों को हिलाना डुलाना और थोड़ी ताजी हवा लेना अच्छा है, और बस की तुलना में यहाँ थोड़ी गर्मी है जो अच्छी लगती है। यहाँ टॉयलेट जर्मनी जैसे नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सप्ताह में उन्हें सिर्फ एक बार साफ करते हैं। इसमें पेशाब और मल की बदबू आती है। मैं आम पर्यटकों वाले काम नहीं करना चाहता। प्रमुख स्थलों की कुछ तस्वीरें लें, फिर भागकर होटल वापस जाएं और इंटरनेट पर बैठ जाएं। बल्कि मैं लोगों से बात करना पसंद करता हूं, जानना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो कहना है उसे सुनना उनके लिए भी मज़ेदार होता है। फर्नांडो स्पेनिश बोलते हैं और उनके दोस्त पैट्रिक पुर्तगाली, इसलिए वे ज्यादातर जगहों पर आसानी से बात कर सकते हैं। वो कैटरीन नोनातो और उनकी बहनों से दोस्ती कर लेते हैं। रियो से अब तक बस 1800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। लीमा और 4500 किलोमीटर दूर है। ऑस्कर वास्केस खुश हैं, चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। यात्रियों में से एक साओ पाउलो के उनके पेरुवियन दोस्त हैं। यासिंटो कहुआना एक सेवानिवृत्त पुलिस अफसर हैं और ब्राजील में 7 साल तक चौकीदार के रूप में काम कर चुके हैं। वो अपने परिवार से मिलने लीमा जा रहे हैं। यासिंटो, ये लो तुम्हारा गिटार। Thank you.
Das ist ja nicht so witzig. Du hast ja schon ein Set-Show. Alle, Golpe. Mein. La Munde Coupé. Hasta divertido, Parecita. Peranita bonita, perrotito de azúcar. Peranita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, negrita. Una vez que. यात्रा की शुरुआत में लोग चुपचाप अपनी सीटों पर बैठते हैं और मैगजीन पढ़ते हैं। Leo tu revista, le dan revista, las primeras horas. अगले दिन वो अगली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करते हैं। उसके अगले दिन वो अगली पंक्ति में बैठे लोगों से बात करते हैं और फिर बस में सभी लोगों से। वो एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, कुछ दोस्त बनाते हैं, फोन नंबरों की अदला बदली करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे कॉल करना। कुछ लोगों को तो प्यार भी हो जाता है और यात्रा खत्म होने तक वे एक दूसरे का हाथ पकड़े देखने लगते हैं या गले लगाने लगते हैं। जब आप बस में 5 दिन एक साथ बिताते हैं, जब आप 5 दिन एक दूसरे से बात करते हुए बिताते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। Estar internacional 5 días. Ay, si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad. Sí, toma, toma. Negra, negrita, linda, ¿te me quieres amar, amar? माटो ग्रोसो ब्राजील का अन्नदाता भी है और इसका वाइल्ड वेस्ट भी। ये पशुपालन और चरवाहों का देश है। रोडियो यहाँ का काफी लोकप्रिय शगल बन गया है। अंतर महासागरीय हाईवे के साथ लगे कई गांवों में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सप्ताहांत में लोग एक साथ मिलकर ग्रिल पार्टी और सांडों की सवारी करते हैं। उनमें शर्त लगती है कि गिरने से पहले कौन कितनी देर तक टिका रह सकता है। एडना अंटोनो विस्की रोडियो की जानी मानी हस्ती हैं। वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैदान का मुआयना कर रही हैं। वो ब्राजील में सबसे प्रसिद्ध महिला घुड़सवार हैं। वो सिर्फ मजे के लिए इस छोटे से कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। चरवाहों को अभी भी किसी महिला घुड़सवार को प्रदर्शन करते देखना अजीब लगता है। जब से मैंने शुरुआत की है तब से कुछ खास नहीं बदला। हाँ, मैंने अब खुद के लिए नाम कमा लिया है, मैं मशहूर हूँ। लोग मुझे जानते हैं इसलिए मेरी इज्जत करते हैं या इसलिए कि उन्होंने मुझे टीवी या इंटरनेट पर देखा है। लेकिन पूर्वाग्रह अभी भी पहले जैसा ही है। आपको खुद को बार बार साबित करना पड़ता है, सिर्फ एक घुड़सवार के तौर पर ही नहीं बल्कि एक महिला के तौर पर भी। लोग अब भी गलत तरह से सोचते हैं, या तो वो आपको सिर्फ एक प्रतिद्वंदी की तरह देखते हैं आपके स्त्रीत्व के बिना, या फिर वो आपको मर्दों के बीच सिर्फ किसी एक महिला के रूप में देखते हैं। Oh,
महिलाएं बिगड़ैल घोड़ों की सवारी करती हैं, जबकि पुरुष बिगड़ैल सांडों की, जो 600 किलो तक के विशाल जीव होते हैं। दर्शकों के लोकप्रिय खेल के रूप में फुटबॉल को टक्कर देते हुए रोडियो ब्राजील में भारी भीड़ खींचते हैं। रोडियो कार्निवल से भी बड़ा व्यवसाय है। कई लड़के अपनी किशोरावस्था में पहली बार सांड पर चढ़ते हैं। दुर्घटनाएं और चोटें सांडों की सवारी करने वालों को नहीं रोक पाती, वो रोमांच के दीवाने होते हैं। आपके साथ दुर्घटना कभी भी हो सकती है, और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आपको उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए मुझे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं होती, जो होना होगा होगा। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सवार अपने दस्तानों पर गूंद या मोम लगाते हैं। गर्मी गूंद को सुखा देती है, लेकिन जब आप लगाम छोड़ें तो दस्तानों को उनसे चिपकना नहीं चाहिए। रोडियो अब से एक घंटे बाद सूर्यास्त से शुरू होगा। शरीर का लचीलापन जरूरी है। गिरने की स्थिति में लचीलापन अहम हो जाता है चोट से बचाने के लिए। लगता है मानो पूरा शहर आया हो। ये सभी एडना एंटोनोविस्की को घोड़े की जीन पर बैठा देखने आए हैं। माहौल खुशनुमा है सिवाय घोड़ों के। उन्हें तेज लाइटें, शोर या बंद जगहें पसंद नहीं। आपको पता होना चाहिए कि गिरना कैसे है। मसलन आपको घोड़े के नीचे नहीं गिरना चाहिए। आपको वहाँ सिर्फ 8 सेकंड के लिए रुकना चाहिए, उससे एक भी सेकंड ज्यादा नहीं। फिर आप अपनी पकड़ छोड़ते हैं और किनारे गिर जाते हैं। यदि आप पीछे की ओर गिरेंगे तो आपकी गर्दन सामने होगी, या फिर आप सिर के बल गिरेंगे। और यदि आप बहुत अधिक मुड़ेंगे तो आप घोड़े के नीचे आ जाएंगे। सबसे अच्छा होता है कि एक किनारे की तरफ गिरा जाए। जो महिलाएं कर रही हैं वो आसान नहीं, हर कोई नहीं कर पाता। उनमें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हिम्मत है। इसके जैसे जानवरों को संभालना मुश्किल होता है। इनमें मर्दों से ज्यादा मर्दानगी है। घुड़सवारी के बाद आती है सांड की सवारी, लेकिन पहले सारे सवार एक साथ प्रार्थना करते हैं।
perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos quem tem pedido. E não deixeis perdição, mas livrai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito são os vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que Deus faz a companhia. आज यहाँ कोई पैसे नहीं कमाए जाएंगे, लेकिन रोडियो का प्रमुख प्रतियोगिताओं में विजेताओं को दसियों हजार यूरो मिलते हैं। महिलाओं के लिए पुरस्कार राशि कम होती है, वो लगभग 4,000 तक जीत सकती हैं। मैं 16 साल का हूं और 14 साल की उम्र से सवारी कर रहा हूं। मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा हूं, जो संन्यास ले चुके हैं। वो घायल हो गए थे और मैं उनकी जगह ले रहा हूं और उसी रास्ते पर चल रहा हूं। वो सर्वश्रेष्ठ सवारों में से एक थे। मैं भी शीर्ष पर पहुंचना चाहता हूं, ताकि मैं अपने पिता को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं और अपने परिवार की मदद कर सकूं। देर शाम जैसे ही शो समाप्त होता है, एडना एंटोनोविस्की और उनके एक युवा सहयोगी रोडियो सवारी के बारे में बात करते हैं। मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा सपना एक दिन पहला स्थान हासिल करना है और मैं हर दिन अनुभव प्राप्त कर रही हूँ। यही मैं चाहती हूँ। क्या आप मानसिक रूप से एक महान प्रतियोगी बनने के लिए तैयार हैं, पैसे और इनामों के साथ? मैं कहूँगी फिलहाल तो नहीं। ये अजीब है। मैं जानती हूँ कि आपने वो हासिल किया है और आपको उसकी आदत भी हो गई है। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मुश्किल होगा, पर जिंदगी जो सिखाती है हम सीखते हैं। महिला रोडियो बहुत कठिन होता है। आप सोच सकते हैं कि पूर्वाग्रह कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर दिन बार बार साबित करना होता है कि हम ये काम अच्छे से करने के साथ ही खुद भी अच्छे दिख सकते हैं। सिर्फ कौशल पर्याप्त नहीं है, आपको खूबसूरत भी दिखना है, ताकि लोग इसे देखें और महसूस करें कि महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। मैं युवा महिलाओं के साथ अपनी पूरी जानकारी बांटना चाहती हूं, ताकि ये चीज मेरे बाद खत्म ना हो जाए। बस रोडियो वाले गांव को बहुत पीछे छोड़ आई है। रात की लंबी यात्रा के पहले ये एक आखिरी विराम है। ड्राइवर पैर पसार रहे हैं। उन्होंने 2000 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन विराम उम्मीद से अधिक लंबा हो गया है। बस का एक शीशा टूट गया है। ये दरवाजे की वजह से हुआ। ड्राइवर पहले नई बस लाइन का विज्ञापन करने वाले पोस्टर के साथ टूटे कांच को ढकने का प्रयास करते हैं। ये काम नहीं करने वाला, ये टिकेगा नहीं।
एलन, यहाँ एक दिक्कत आ गई है। दरवाजे ने उसके ठीक पीछे की खिड़की को तोड़ दिया, खुलते ही उससे टकरा गया। ऑस्कर इसकी एक तस्वीर खींचकर साओ पाउलो में अपने ऑफिस भेजते हैं और पेरू में नई खिड़की के फ्रेम का ऑर्डर दे देते हैं। खिड़की की मरम्मत में एक घंटा लगेगा। इस वक्त बस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से चल रही है। अभी 4300 किलोमीटर जाना बाकी है। जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान पार करना है। इतने लंबे रास्ते पर आपको हमेशा देरी का सामना करना पड़ता है। यह है आपका हाईवे। आपको कभी कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। जैसा कि हम कहते हैं, आपको यात्रा शुरू करने का पता होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि मुकाम पर कब पहुंचेंगे। ऐसे हैं हमारे पेशे के जोखिम।